नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुडिंग की शुरुआत करते हैं। एशिया के सबसे बड़ी हिसार ऑटो मार्केट में गोयल कार एसेसरीज फेज 3 में दुकान नंबर 51 के मालिक मुनीश गोयल से मोबाइल पर आपको बताते चले कि 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। जबकि इससे पहले भी बदमाशों ने महिंद्रा शोरूम पर अनेकों फायरिंग करके 5 करोड़ रुपए की, भीम ऑटोमोबाइल पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने से हरियाणा में भय का माहौल है। आपको बताते चले कि ऑटो मार्केट में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फ्रेंट के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने ऑटो मार्केट और शहर में व्यापारियों के साथ में अनेकों जगह पर मीटिंग लेने के बाद में पैदल मार्च निकाला। 28 जून को पूरी तरह से ऑटो मार्केट और नई अनाज मंडी बंद करने का आह्वान किया है। बजरंग गर्ग ने यह भी कहा कि हरियाणा में लगातार फिरौती लूटपाट की वारदातें होना बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हरियाणा में लगातार अपराध बढ़ने के कारण प्रदेश का व्यापारी, आम जनता अपनी जान माल के सुरक्षा के लिए भारी चिंतित है। आपको बताते चलें कि व्यापारियों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें हिसार से हैं जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं और जिसको लेकर व्यापारियों ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी व्यापारियों से, जिसको लेकर भारी आक्रोश भी लोगों में देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के खजडवा में बच्चों के डूबने का मामला सामने आया। दरअसल पूरा मामला डोहड़ का है, जहां पर पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी और जिला परिषद सदस्य कंवरपाल भी पहुंचे। पीड़ित परिवार को सांत्वना देते साथ में लोग घटना की जांच की भी उन्होंने बात कही है लोगों से, और साथ ही ड्यूटी ऑफिसर नरेश कुमार ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि चेतन और मैंक दो बच्चे तालाब में गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई है। देखो, गांव में सभी तरह के आदमी होते हैं, कुछ शरारती भी होते हैं जिन्होंने किसी के मरने से, किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है। उनका काम ओनली शरारत करना। इससे पहले लगभग 3-4 साल पहले की बात है, पहले जोड़ों में पूरा पानी था। हम बच्चे ऐसे ही जैसे गर्मियों में नहाने के लिए चले गए, 3 बच्चे एक साथ डूब का उनकी डेथ हो गई थी। वो किसी का दोस्त थोड़ी था। अभी भी जोड़ की गहराई नहीं है, सफाई है। आप मौके पर जाओ, मेरे साथ चलिए, अपना मौके पर दिखाऊंगा मैं। ओनली 2-2 फुट जो प्रति मलबा उसका वही उठाया जा रहा, सारा जोड़ टोटली सूखा पड़ा। इस प्रकार से इन्होंने 12 बजे का समय था कि बच्चे नहाने के लिए गए थे, 12 बजे तक थे। माँ बाप को पता नहीं था इस चीज़ का कि बच्चे नहाने के लिए गए, तो वहाँ पर केवल आधे 1 घंटे बाद इनको पता चला कि लाश ऊपर आ गई थी। जैसे कपड़े बाहर पड़े हुए थे, इनको लगा कि कपड़े बाहर हैं, उन्होंने चेक किया तो बॉडी ऊपर आई। तो बड़ा दुख का समय पूरे गाँव के अंदर, मुझे शोक है इस चीज़ का कि छोटे छोटे बच्चे 11 साल के और 12 साल के हैं, मनमीत और चेतन। बड़ा दुख है इसमें। शहर के सारे कोने इस बात का पता, जहाँ भी पड़ी आप मौके पर जाकर देखो, भी मट्टी एक मड़वा ऊपर का जो चीक वगैरह जो सूखे है वही ठुआ कर, और ओनली 500 रुपये लिए गए। इसमें कोई दो राय नहीं, उसके अंदर वो भर भी रहे बेचारे, गेर का गेरे ट्रेलिया 1 किलोमीटर दूर तक 500 रुपये ले रहे। वो भी इसलिए अभी जो गरीब आदमी ने प्लाट ले रखे, उनका भी अच्छा चीख अच्छा पूछा हुआ सूख का उनका काम चल गया। जो बढ़ते 1 लाख मोर उनको 5,000 में काम चल गया, लेकिन उसकी सफाई भी होगी, इनका काम भी चल गया। लेकिन कुछ लोग इस बात का गलत मतलब लावा, अपनी रंजिश खातर इस तरह के गलत मतलब बयान। ये हमारे तो जैसे 5 बजे कुछ मिनट पे फोन से सूचना प्राप्त हुई कि हिरिंडवा गाँव में 2 बच्चे, जिसमें एक का नाम चेतन सनफ निर्मल सिंह 9 साल का, 4th क्लास का बच्चा था जी। दूसरा मयंक सनफ 30, वो 11 साल का था, 6th क्लास का बच्चा था जी। वो खेलते खेलते बच्चे वही गांव में तालाब में चले गए और कीचड़ की वजह से या पानी की वजह से डूबने से उनकी मौत हो गई। गाँव वासियों ने निकाल के कहीं किसी निजी हॉस्पिटल में लेके गए थे। हॉस्पिटल में पहुँचने से पहले जैसे इनको पता लगा एक्सपायर हो गए, तो वहाँ हॉस्पिटल से हमारे पे कोई सूचना नहीं थी। जज्जर के एक गांव में गौशाला संचालक पर एक युवक ने उस समय पिस्तल टान दी जब वे एक सामाजिक समारोह में खाना खा रहे थे। उसी दौरान मोहित नामक युवक अपने साथी रिंकू के साथ वहां पर पहुंचा और सुनील के हाथ से खाने की प्लेट छीनकर पहले तो उसे फेंक दिया और बाद में उसकी कनपट्टी पर पिस्टल तान दिया। आपको बताते चले कि पीड़ित का भी कहना है कि आरोपी ने कनपट्टी पर पिस्टल तानने के बाद में उसका ट्रैगलर भी दबा दिया और संयोगवश आपको बताते चले कि वे खाली चल गया, बाल बाल भी बच गया। घटना जज्जर के गांव की
बताई जा रही है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही और घटना की कड़ी कड़ी जोड़कर देखा भी जा रहा और जल्द ही मामले की सच्चाई सभी के सामने आ सकती है। मोहित मेरे सामने खड़ा था, जो दूसरा लड़का था वो मेरे पीछे से आगे कुर्तनपट्टी पे यहाँ पिस्टल लगाया। जैसे उसने ट्रिगर दबा तो वो पिस्टल अटक गई, गोली नहीं चल पाई। साथ में मेरा ड्राइवर खड़ा था, तब तक उसने उसको गोली भर ली। मैंने जैसे कुर्सी वर्सी उठा के उसको मारा, पिस्टल तो उसका तो वहीं गिर गया। तब तक दूसरे लड़के ने पिस्टल निकाल दिया था। वहाँ तब तक भगदड़ मच गई थी और काफ़ी लोग आ गए थे पकड़ने के चक्कर, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए, दोनों फरार हो गए। रंजीश वगैरह बता, रंजीश है क्या पहले? नहीं, रंजीश ये थी कि ये लड़का हमारी जो दिल्ली वाली जो गौशाला है उसमें सुपरवाइजर का काम करता था, तो ये 2 साल से वहाँ काम कर रहा था। बीच में थोड़ा हमारे को आभास हुआ कि ये सेवा में फ़र्क कर रहा है। इस संबंध में जो सुनील निमाना है उनकी शिकायत के ऊपर हमने FIR दर्ज कर ली है और इसमें हम जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रहे हैं और जल्द ही इसमें आरोपियों की तलाश है, टीमें लगा दी गई और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। गांव के युवक बताए जा रहे हैं सर, वो दोनों के दोनों और जो भी होंगे सामने आएंगे, वो हैं या उनके पीछे और किसी का भी हाथ है, हम इसमें जो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी दोषी होंगे वो सब गिरफ्तार किए। खबर रतिया से है जहां पर गुरुद्वारे के निर्माण को लेकर लगातार यहां पर विरोध भी किया जा रहा। पूरा खबर जो है वो रतिया से है जहां पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रतिया शहर में लोकल गुरुद्वारा का बार बार निर्माण कार्य रोकने पर सिख संगतों ने रोष जताते हुए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साथ ही अनिश्चितकालीन गुरुद्वारे के निर्माणधीन जो बिल्डिंग के आगे धरना भी बैठ गए और इस दौरान सिख संगतों ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अधिकारियों पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि इस दौरान सिख संगतों ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार गुरुद्वारा का निर्माण रोक दिया जाता है और शहर का माहौल खराब करने की बड़ी साजिश है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शहर का यह सबसे पुराना और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, इसकी बागडोर अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथों में आई है, तब से इसमें रुकावटें भी पैदा हो रही हैं। वहीं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी सिख संगठनों ने चेतावनी भी दी कि जब तक गुरुद्वारे के कार्य में रुकावट जो है वो डालने वाली कमेटी के पदाधिकारियों को पद से नहीं हटाया जाता, वे गुरुद्वारा का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया जा सकता, तब तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। जदों भी हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी बनी है, ये नॉमीनेट जो मैंबर आए ने उन्होंने अंदर सब तो ज़्यादा सुख सागर जी ने जोड़े सार वाले वो दखलदाजी देंगे ने, इतने रती का माहौल बिगड़ता जा रहा है। सब तो पहला इतने आए एक कंध का रौला थोड़ा जहा उस उन्होंने भड़काया, इतों तक गल आ गई कि कोर्ट की शरण लेनी पी, हाँ जी बिच की बुद्धिजीवी लोगों ने पै पा के फैसला किया। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम सैनी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों को लेकर जानकारी भी दी। सीएम सैनी ने बताया कि 2 शहीद परिवारों के आश्रितों को नौकरी दी जा रही है और अभी तक हमारी सरकार ने शहीदों के 371 परिवार के सदस्यों को नौकरी दी है और 2014 से पहले सिर्फ 6 शहीदों के परिवारों को नौकरी दी गई थी। तब से लेकर सीएम ने बताया कि कोऑपरेटिव बैंक HMT समेत कई कर्मचारी जिनको कम पेंशन मिलती है उस पर उनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया। सीएम ने यह भी बताया कि अब कम से कम 3,000 पेंशन मिलेगी। सीएम ने कहा कि जो भी किसान ट्यूबवेल बिजली का स्विचिंग लोड बढ़ाने की जरूरत समझते हैं, इसके लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक स्वैच्छिक ट्यूबवेल लोड किसान बढ़ा सकते हैं। आज की कैबिनेट के एजेंडे में 14 आइटम 19 आइटम हमारे रखे गए थे,
और 19 के 19 आज अप्रूव हो गए हैं। सबसे पहला जो एजेंडे के अंदर विषय था कि हमारी सरकार ने पीछे जो हमारे शहीदों के परिजन थे, अनुकंपा के आधार के ऊपर उनके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने का निर्णय किया था। सरकार में कहीं पर भी आज दो और जो हमारे शहीद परिवार थे उनके परिवारों से दो और सरकारी नौकरी में आज इस पॉलिसी के तहत शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन श्रीमती काजल कुंडू और दूसरे हमारे शहीद सत्यवान की बहन श्रीमती मंजू रानी को मौलिक शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर सरकारी नौकरी दी है। और जो श्रीमती काजल कुंडू है उसको रोजगार विभाग में सहायक रोजगार अधिकारी ग्रुप बी के पद पर नौकरी दी है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम ध्यान करें हमारी सरकार ने लगातार पिछले 9.5 वर्षों में शहीदों के परिजनों के अनुकंपा के आधार पर 369 नौकरी पीछे दी है, दो और आज इसमें जुड़ी हैं, ये संख्या आज 371 वो हो गई है। अगर हम पिछली सरकार का देखें, पिछली सरकार में मैं बताना चाहूँगा कि 10 सालों के कार्यकाल में 2014 से पहले प्रदेश में मात्र 6 शहीदों के परिजनों को ही सरकारी नौकरी दी गई थी। आज हमने इन दोनों मामलों में नियमों में छूट देते हुए सरकारी नौकरी देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जो फर्स्ट एजेंडा था। और हमारा इस एजेंडे के अंदर जो हमारे सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध हताहतों के परिवारों के सदस्य के लिए नीति 2023 बनाई थी, कैबिनेट में आज ये भी एजेंडा आया और उसको स्वीकृति प्रदान की गई। अब इसका नाम बदल करके वीर शहीद सम्मान योजना, वीर शहीद सम्मान योजना अब इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है, इस नाम से इस योजना को जाना जाएगा। और हमारा जो एक और एजेंडा था जो हमारे स्टाम्प विक्रेता थे, आजकल ई स्टाम्प हम ले लेते हैं, कंप्यूटर से स्टाम्प आ जाता है, और 10,000 रुपए के स्टाम्प की पावर हमारे वेंडर्स को थी और अब वो 10,000 की पावर खत्म कर दी है। इसके कारण से उनके रोजगार के ऊपर भी संकट खड़ा हो गया था। आज कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि उस 10,000 को बढ़ा करके 20,000 रुपया हमने कर दिया है, जिससे जो प्रभावित हमारे स्टाम्प वेंडर्स थे उनका रोजगार प्रभावित ना हो, उसको लेकर के इसको बढ़ाने का भी आज स्वीकृति मंजूरी दी गई है। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने रेस्ट हाउस परिसर से डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने वाले 50 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। साथ ही थैला एटीएम और सेंट्री पैड वेडिंग मशीन का भी शुभारंभ किया है और इस दौरान डिवीजन कमिश्नर और साथ ही नगर निगम कमिश्नर और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे।
हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आज मछोड़ा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। पूर्व गृह मंत्री ने नारियल फोर्ड का शिलान्यास किया और बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शिलान्यास किया गया, ये बहुत जरूरी है क्योंकि सिविल अस्पताल यहाँ से दूर पड़ता है। शहर में भी 8 जगह किराए पर जमीन लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा रहे, इसमें से लोगों को हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। अब देखिए सिंगौल बहुत ही सम्मानित प्रतीक है विशेष तौर से हमारे साउथ इंडिया का, और प्रधानमंत्री जी क्योंकि सारे देश की निगाह रखते हैं इसलिए वो उसको लेके आए। वो हमेशा राज दरबार में स्थापित हुआ करता था और ये लोकसभा भी हमारी एक तरह से राज दरबार ही है। नहीं, तुमने कहाँ बना दिया, दिल्ली में आपकी सरकार है, तुमने वहाँ अपोजिशन का बना दिया। हिमाचल में सरकार है कांग्रेस की, तुमने वहाँ अपोजिशन का बना दिया। पंजाब में सरकार है आप पार्टी की, तुमने वहाँ अपोजिशन का बना दिया। अरे खुद तो देखो, खुद पे तो लागू करो पहले, फिर दूसरों पे बात करो। यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का आज शिलान्यास रखा गया, ये बहुत आवश्यकता है क्योंकि सिविल अस्पताल से ये इलाके बहुत दूर पड़ते हैं। ऐसे सभी जगह पर हम ये बना रहे हैं, हमने शाहपुर के लिए भी किया है और शहर में भी 8 जगह हम किराए पर ज़मीनें लेकर वहाँ पर ये स्थापित कर रहे हैं। इनमें सारी सुविधाएँ मिला करेंगी, टेस्ट भी होंगे, 150 के करीब दवाइयाँ भी मिलेंगी और एक डॉक्टर हुआ करेगा और बाकी नर्सिंग स्टाफ सारा हुआ करेगा ताकि लोगों को फुट स्टेप पर ही, डोर स्टेप पर ही सुविधाएं मिल सके। पूर्व राज्य मंत्री करदेव कंबोज ने कहा कि लोकसभा चुनावों में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने झूठे वादे करके जनता को बरगलाकर वोट हथियाने का काम किया है, जिसका खामियाजा इन पार्टियों को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने भी गरीबों को हर महीने 8500 रुपए खाते में खटाखट आने की बात कही थी और वोट को हथियाया है। करदेव कंबोज आज इंद्री में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में बोल रहे थे और इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का भी संदेश दिया है। आने वाले विधानसभा में, क्योंकि ये जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, इस लोकसभा के चुनाव में जो विपक्ष ने हथकंडे अपनाए हैं, ओछे हथकंडे अपनाए हैं, कहीं वो ये कह करके लोगों को डराया गया कि संविधान खत्म कर देंगे, कहीं जा करके ये कहा कि आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, और कहीं लालच दे करके 8500 रुपए हर महीने खाते में डालने के लिए जाना, इस प्रकार का प्रचार भी किया गया कि खटाखट 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 हर उसके खाते में 8500 रुपए, उनको जो है ना गारंटी कार्ड भी भर करके दे दिया गया कि आपको ये गारंटी कार्ड हम भर करके दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम आपको 8500 रुपए। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूँगा कि दो प्रदेशों में इनकी सरकार है, कर्नाटक में इनकी सरकार है और हिमाचल में हमारे नज़दीक लगती इनकी सरकार है। में कुछ नहीं बचा, कंबोज का बयान भी सामने आया जहां पर विपक्षी पार्टियों ने कई झूठे वादे किए हैं, ऐसा भी कहा। दरअसल 8500 रुपए हर महीने आने की बात कांग्रेस सरकार ने कही थी और जिसको लेकर उन्होंने झूठ का पुलिंदा बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि वोट हथियाने के लिए उन्होंने कई तरह के झूठ बोले वोट लुभाने के लिए और काफ़ी जो झूठ हैं वो बोले गए हैं। तो वहीं जेजेपी को लेकर भी निशाना साधा, उन्होंने कहा कि उनकी दुकान में तो कुछ बचा ही नहीं है। दरअसल अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो जेजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं आई, जिसको लेकर लगातार कंबोज का बयान भी सामने आया। तो वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस और बीजेपी को 5-5 सीटें मिली हुई हैं।
जिला रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा के खंड विकास एवं पंचायत विभाग की महिला अधिकारी पर सरपंचों से साठगांठ कर उन पर दबाव बनाकर अपने रिश्तेदारों को पंचायती ठेके दिलवाने के व्हाट्सएप मैसेज वायरल होने के बाद धारूहेड़ा ब्लॉक के सरपंचों में आक्रोश देखने को मिला है। साथ ही उक्त महिला अधिकारी के पक्ष में उतरे और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट भी किया है कि उन्हें इस महिला अधिकारी से कोई भी शिकायत नहीं है, उन पर लगे आरोप भी निराधार हैं। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मैसेज वायरल करने वाले दोषी व्यक्ति की जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। मैं पचगावा सरपंच जनप्रतिनिधि हूं और कविता जो वीडियो मैडम जितनी मेरे उनके बारे में नॉलेज है वो बहुत ही कर्मठ और ईमानदार अफसर हैं। उनके ऊपर जो जिस तरह के ये वायरल वीडियो चल रहे हैं या वायरल व्हाट्सएप मैसेज चल रहे हैं कि उन्होंने सरपंचों के ऊपर किसी तरह का दबाव डाला है, उन्होंने किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला है। सबके सब धावड़ा ब्लॉक में 53 पंचायत है, 53 के 53 सरपंच उनके कार्य से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं और उनके ऊपर किसी तरह का ये जो व्हाट्सएप सोशल साइट पे जो वायरल हो रहा है इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई। मैं कार्तिक यादव, धावड़ा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान। ये पिछले शनिवार को हमारे एक व्हाट्सएप पे हमने मैसेज देखा, वहाँ पे एक मैसेज वायरल हो गया कि जो धावड़ा ब्लॉक की BDPO है वो सरपंचों के ऊपर दबाव देकर अपने भाई को या किसी को भी पंचायत का ठेका दिलाने में सरपंचों पे दबाव देती है और उसमें वायरल हुआ कि सरपंचों में बहुत भारी रोष है। इसको देखकर हमारे सभी सरपंच जैसी मैसेज पढ़ाओ सारे हैरान हो गए, क्योंकि आज तक इनके कार्यकाल में हमें ना तो अभी कोई भी BDPO पे कोई आपत्ति है और हमें पूरा सहयोग करती है काम करने में और जो भी हमारा विकास कार्य होता है सब में सहयोग करती है और हमें कोई भी BDPO से 1% भी समस्या नहीं है। इतना हमें भी गर्व है कि SC से भर्ती होकर डायरेक्ट एक यंग लेडी इतना अच्छा कार्य कर रही है। रक्तदान महादान भारत विकास परिषद के द्वारा दूसरा रक्तदान शिविर का आयोजन। आज भारत विकास परिषद के द्वारा अग्रवाल धर्मशाला के प्रांगण में दूसरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन गुहला के SDM कृष्ण कुमार ने किया है, जिसके विशिष्ट अतिथि नवनियुक्त SDM अश्विनी गुप्ता रहे। रक्तदाताओं के लिए किसी की जान बचाने के लिए रक्तदान करने का यह एक अनूठा अवसर था। इस शिविर में लगभग 70 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। रक्तदान करने के बाद रक्तदाताओं को भारत विकास परिषद के द्वारा जलपान और रक्तदान प्रमाण पत्र दिया गया। भारत विकास परिषद के द्वारा जो आज रक्तदान शिविर लगाया गया, कौन सा रक्तदान कैंप है और किस तरह के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं? भारत विकास परिषद शाखा चिका द्वारा ये द्वितीय रक्तदान शिविर है। जब से भारत विकास परिषद का गठन हुआ है, रक्तदान शिविर के अलावा हमारे बहुत से सामाजिक कार्य हैं लगातार समय समय पर किए जा रहे हैं। शायद ही कोई इसी महीने में हर महीने हमारा अलग अलग प्रकल्प रहते हैं, जिस मौसम का जैसा प्रकल्प होता है उसके मुताबिक कार्य होता है। अब आने वाला समय पौधारोपण का कार्य रहेगा, पूरे हमारा भारत विकास पूरा इसमें एक्टिव है, पूरी टीम जगह जगह पर अलग अलग पार्कों में पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। और मैं हर बार जब चीका में लगता है तो 100% प्रोवाइड रहती है कि वो डोनेट करना ही है और मैं सभी अपने चीका वासियों को भी एजुकेट करता हूँ कि ब्लड डोनेट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ये अच्छी कोशिश रहे इसके लिए, ये ठीक है, इसमें ब्लड अपना ट्रांसफर होता है, चेंज होता है, फायदा ही रहेगा, नुकसान तो नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।